एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिगुल फूंक दिया है। कल दक्षिणी कैरोलिना में ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए पहली इलेक्शन रैली की। इस रैली में ट्रंप जो बाइडेन पर जमकर बरसे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप एक बार फिर से पुराने नारे के साथ लौटे हैं। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन के बीच जंग कभी नहीं होती। तो बाइडेन यूएस को विनाश की राह पर ले गए। 2024 के चुनाव के लिए ट्रंप ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, पहली इलेक्शन रैली की है कल साउथ कैरोलिना में। और साउथ कैरोलिना में एक बार फिर ट्रंप ने उसी नारे को दोहराया जिस नारे की बदौलत वो पहली बार अमेरिका के सत्ता पर काबिज हुए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और साथ ही जो बाइडेन पर भी इस रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जमकर निशाना साधा, कहा कि ट्रंप अमेरिका को वापस ले गए हैं तरक्की की राह से, और ऐसे में यूएस को विनाश की राह पर जो बाइडेन ले गए हैं, तरक्की के लिए अग्रसर था अमेरिका लेकिन विनाश की राह पर ले गए जो बाइडेन। और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच कभी युद्ध नहीं होता। तो यहां पर सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो साउथ कैरोलिना में रैली की है डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर से 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय तक गायब थे, दोबारा से उनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट भी रिवाइव किए जा रहे हैं और चुनावी तैयारियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जुटे हुए हैं। रैली की डोनाल्ड ट्रंप ने और बाइडेन पर जमकर प्रहार किया, जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो होते तो रूस और यूक्रेन का जंग अभी तक नहीं हुआ होता, या अगर हो भी गई है जंग तो रुक गई होती। If I were president, you would have zero chance that war would have happened. And even now, as bad as it is, should have never ever happened. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।